पालमपुर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य था। कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियों की बुनियाद पर सत्ता में आने में कामयाब हुई। उसी प्रकार सत्ता में आते ही 1500 से ज्यादा सरकारी संस्थानों में ताला लगाकर जूझाड़ने का काम किया है, उसमें प्रदेश की जनता उसे भुला नहीं पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाली षड्यंत्रकारी कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से जो 125 यूनिट फ्री बिजली दी गई थी उसको भी समाप्त कर गरीब जनता के बजट को उजाड़ कर रख दिया है। महंगाई का ढोल पीटने वाली सुक्खू सरकार में पिछले 1.5 साल में जो एक गरीब जनता अपना आशियाना बनाने के लिए सपने देखती थी उसके सपनों को उजाड़ कर तबाह कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले तो 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों को लगा ये तो 300 बिजली फ्री यूनिट देंगे हमें और सुविधा हो जाएगी, लेकिन 300 यूनिट बिजली फ्री तो दूर की बात, जो हमारी सरकार में 125 यूनिट बिजली लोगों को मिलती थी उसको भी बंद करके लोगों की भावना को उजाड़ने का काम किया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो भी इस सरकार से उम्मीद थी इस सरकार ने अपना चेहरा दिखा दिया। आज हम देखते हैं महंगाई के क्षेत्र में, जब हमारी सरकार थी तब सीमेंट का क्या भाव था और आज ये जो सुक्खू सरकार है सीमेंट कहां पहुंच गया। आज इसी तरह हम देख सकते हैं जो सस्ते राशन की जो डीपू की दुकानें थी जहां गरीब लोगों को एक उम्मीद होती थी कि इस दुकान में हमें सस्ता राशन मिलेगा, चाहे वो तेल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो दालें हो, आज उसका प्राइस भी उसके मूल्य भी तेजी से इन्होंने बढ़ाने का काम किया है।